morning, students. How are you all? I hope you all are well. Students, today we will start our new chapter 7, our needs. Okay, आज हम हमारा नया chapter start करेंगे, our needs. Our needs means हमारी जरूरतें. हमारी जरूरतें कौन कौन सी होती है? हमारी जरूरतें, our needs, air, water, clothes, food. ओके, एयर, वाटर, क्लोथ्स एंड फूड आर अवर सम बेसिक नीड्स. ओके, नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एयर. ए आई आर, एयर. एयर मीन्स क्या होता है बेटा? हवा. एयर मीन्स क्या होता है? हवा. ओके, सो एयर इज एवरीवेयर. एयर इज एवरीवेयर की हवा चारों तरफ होती है. वी कांट लिव विदाउट एयर. हम हवा के बिना नहीं रह सकते. वी कांट लिव विदाउट एयर. हम हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते. हम एयर में ही तो ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं, हवा में ही तो हम सांस लेते हैं, ठीक है? सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एयर. एयर इज एवरीवेयर. इट कैन ओनली बी फेल्ट नॉट सीन. हम एयर, हवा को सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं. हवा को हम देखते हैं? नो, वी फील ओनली एयर. ठीक है, वी ओनली फील एयर, कांट सी. हम इसे देख नहीं सकते हैं. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. हवा, जो हवा चलती है उसको क्या कहते हैं? हवा का इधर से उधर चलना क्या कहलाता है? विंड. हवा जो चलती है उसको क्या कहते हैं? विंड. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ एंड लिव. जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको जीवित रहने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एयर की. ठीक है, लिविंग थिंग्स जैसे एनिमल्स है, ओके, ह्यूमंस है, हम लोग है, पीपल है, हम लोग सब एयर में ही तो सांस लेते हैं, है ना, हवा में ही तो सांस लेते हैं, प्लांट्स है, ये सब लिविंग थिंग्स विदाउट एयर नहीं जीवित रह सकते हैं. सो नंबर वन इज एनिमल्स ब्रीथ एयर टू स्टे लिव. एनिमल्स को जीवित रहने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एयर की. नंबर टू, ह्यूमंस ब्रीथ एयर टू स्टे लिव. और ह्यूमंस मीन्स हमें, आदमियों को जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत होती है? एयर की. एंड नंबर थ्री इज प्लांट्स नीड एयर टू ब्रीथ एंड प्रिपेयर फूड. प्लांट्स को सांस लेने के लिए किसकी जरूरत होती है? एयर की. और अपना फूड बनाने के लिए एयर की जरूरत होती है. एंड वी नीड टू फिल एयर इन सम थिंग्स टू बी एबल टू यूज देम. कुछ चीजों को यूज में लेने के लिए उसके अंदर एयर फिल की जाती है जिससे वो हमारे यूज हो सके. फॉर एग्जाम्पल, जैसे टायर्स होते हैं, टायर्स में एयर फिल होती है. फुटबॉल है, बच्चे फुटबॉल से प्ले करते हैं तो फुटबॉल में भी एयर फिल होती है, उसके बाद ही तो हम उसे यूज कर सकते हैं. एंड बलून्स, बलून्स में भी एयर फिल होती है. स्विमिंग ट्यूब्स, जो स्विमिंग की ट्यूब होती है उसमें भी एयर फिल होती है. एंड देन आफ्टर वी विल यूज थिंग्स. ओके, एंड काइट्स है, ओके, एयर टू नीड फ्लाई काइट्स. काइट को उड़ाने के लिए, पतंग को उड़ाने के लिए किसकी जरूरत होती है? एयर की. ओके, एरोप्लेन को उड़ने में भी एयर की रिक्वायरमेंट होती है. सो चिल्ड्रन प्लीज, अब मैं आपको ये चीज बताती हूँ कि एयर हमारे लिए बहुत ही जरूरी है. ठीक है, वी कांट लिव विदाउट एयर. हम बिना एयर के जीवित नहीं रह सकते हैं. सो चिल्ड्रन प्लीज रीड दिस चैप्टर. मैंने एयर का आपको टॉपिक आपको समझाया है, तो आपको इस एयर के टॉपिक को अपनी बुक में से रीड करना है. ओके, थैंक यू.